हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल ही एंड शी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे बैगन का भरता, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। जिन लोगों को भी बैगन की सब्जी पसंद नहीं आती, वो लोग इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बैगन का भरता बनाने के लिए हमने लिए हैं एक भंटा वाला बैगन, एक प्याज, धनिया पत्ता, दो उबले हुए आलू, दो टमाटर, हरी मिर्च और कुछ कलियां लहसुन की। सबसे पहले हम बैगन की ऊपरी सतह पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। तेल लगाने से बैगन अच्छी तरह से आग में पक जाता है और इसके छिलके भी आसानी से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से हमें टमाटर के सरफेस पे भी तेल लगा लेनी है और इसे भी आग में पकाना है। अब हम बैगन को इस तरह से कट करेंगे 3-4 साइड से। इस तरह से कट लगाकर हम देख सकते हैं कि बैगन के अंदर कीड़े तो नहीं लगे हैं, बैगन सही है या सड़े हुए हैं इससे पता चल जाता है। साथ ही हम इसके अंदर स्टफिंग करते हैं कुछ लहसुन की कलियां और हरी मिर्च। लहसुन के छिलके निकाल लेने हैं और इसे अंदर में हमें फिल कर देना है। इस तरह से लहसुन और मिर्च की स्टफिंग करने से बैगन के साथ ही लहसुन और मिर्च भी पक जाते हैं और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है बैगन के भरते में। मैंने मिर्च की डंडी को भी कट कर लिए हैं। इसके अंदर मैंने दो मिर्च डाली है और एक मिर्च का यूज़ हम अलग से करेंगे बाद में। बैगन को पकाने के लिए हम गैस स्टोव को ऑन करेंगे और जाले रख देंगे। जाल के ऊपर हमें बैगन को रखना है और इसे पकाना है। फ्लेम को लो रखना है जिससे हमारे बैगन जले नहीं, और इसके साइड्स को पलटते जाना है और हमें हर एक साइड से अच्छी तरह से पकाना है। और आप देख सकते हैं कि बैगन अच्छी तरह से पक गए हैं हर एक साइड से, और हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिए। बैगन को निकाल के रख लेना है और अब इसी तरह से टमाटर पकाना है। टमाटर को भी हमें धीमी आंच पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसके साइड्स को पलट देना है जिससे कि टमाटर हर एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। आप देख सकते हो कि ये हर एक साइड से अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब हमने गैस फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। अब हमें टमाटर और बैगन के छिलके को निकाल लेना है। इसके छिलके हमें गरम गरम में ही निकालने होते हैं, वरना ये चिपक जाते हैं इसके छिलके और नहीं निकल पाते अच्छी तरह से। और इस तरह से आप छुरी की मदद से भी इसे निकाल सकते हो, इसे आपके हाथ जलेंगे नहीं। नाइफ की हेल्प से हमें हल्के हाथों से इसे इसके छिलके हटाने हैं जिससे इसके टुकड़े ना हो जाएं। बैगन के अंदर जो हमने गार्लिक और मिर्च डाले थे उसे भी हमने निकाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो बिना बैगन को काटे ही डायरेक्ट बैगन को मैश कर सकते हो गार्लिक एंड मिर्च के साथ। अब एक बॉल में हम इन सभी को ले लेंगे।
हम जो बॉल या फिर जो बर्तन लेंगे उसका साइज थोड़ा बड़ा रखना है जिससे हम इसे अच्छी तरह से उसमें मैश कर सकें। बैगन का ऊपरी हिस्सा हमें यूज नहीं करना है, इसे कट करके हटा देना है। अब हम इसमें बॉयल्ड आलू भी मैश करके डालेंगे। बैगन और टमाटर पानी छोड़ते हैं और आलू इसे अच्छी बाइंडिंग देता है, तो इसलिए हम इसमें आलू ऐड करते हैं। टमाटर जो हमने पकाए थे उसके भी छिलके छील लेंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से बारीकी कट करके इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमें इन सभी को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, जिसके लिए हम मैसर या फिर फोक का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए धनिया पत्ता। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जिससे टेस्ट काफी अच्छा आता है बैगन के भरते का। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैगन का भरता रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं फिर से आऊंगी एक नए कुकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।